हेलो, वेलकम इन एकेडमी स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। मतलब कि एक कॉनिकल टेंट है जिसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है और जो इसकी रेडियस है बेस की वो 24 मीटर है। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट यानी कि एल, और दूसरे पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट कितनी लगेगी टोटल कैनवास की अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो रेट है वो ₹70 है। तो यहाँ पे देखिए, हाइट यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर और जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 मीटर। बात करते हैं एल की। एल का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो ये फॉर्मूला, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आप देखिए, यहां से मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे एच एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 24 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस में 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 676। तो एल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। इसका अंडर रूट कितना होता है 26, ठीक है। आपको अंडर रूट याद होनी चाहिए या फिर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट 676 कितना होता है 26, आपको ये पता लग गया। तो एल की वैल्यू आ गई 26 मीटर, ठीक, क्योंकि बाकी चीजें मीटर में है तो ये भी किस में आएगा मीटर में आएगा। तो पहला पार्ट तो हो गया स्लेंट हाइट यानी कि एल जो है उसकी वैल्यू आ गई 26 मीटर। बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा गया कि जो कैनवस रिक्वायर्ड होगा इसमें इस टेंट को बनाने में उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ठीक है, वो कैनवस जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें या कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या फिर कॉनिकल टेंट। क्यों? क्योंकि जो कैनवस लगता है वो यहाँ ऊपर लगता है, ठीक है, बेस में कैनवस नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको जो कैनवस कपड़े का यूज करना है वो ऊपर ऊपर करना है यानी कि कर्व सरफेस एरिया में। नीचे जमीन होगी या कुछ और होगा तो वहां पर हम कैनवस नहीं लगाते हैं, आपको ये बात याद रखनी होगी। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू हमें 22/7 ली, आर की वैल्यू कितनी है, आर यहाँ पे दिया हुआ है 24 मीटर, तो आर की जगह मैं लिख दिया 24 इनटू में एल, एल यानी स्लैंट हाइट जिसकी वैल्यू भी मैंने निकाली 26, तो इसकी जगह आ जाएगा 26। आप इसे 7 को काटो वाटो मत, कुछ मत करो इसको, क्योंकि जो कॉस्ट निकालनी है हमें उसमें हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे ही तो नीचे वाले 7 से कट जाएगा। तो सीधा सीधा मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ₹70, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम अगर हमें पता है तो जितने मीटर स्क्वायर का दाम निकालना है वो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना था, इतने मीटर स्क्वायर, मतलब इसका ही दाम हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कितना 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो एक का दाम इतना है तो इतने का दाम कितना होगा, जो भी एक का दाम है उसको आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26, तो 7 × 7 7 × 10 = 70, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 × 22 कितना जाएगा 220, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 624, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, और फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 137 28 और 0, ठीक है। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो मतलब इतनी कॉस्ट आएगी टोटल, इतने रुकेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको जरा आप लोग ध्यान से समझना। इसमें हमसे बोला गया व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज 20 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें एक तारपोलिन दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। इस तारपोलिन को काट करके एक कॉनिकल टेंट बनाया जाता है। हमसे पूछा गया है कि इस तारपोलिन की कितनी लेंथ की जरूरत हमें पड़ेगी। जो कॉनिकल टेंट बनाया गया है उसकी जो हाइट है वो हमें बताई गई है 8 मीटर, और जो कॉनिकल टेंट है उसके बेस की रेडियस हमें बताई गई है 6 मीटर। हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जो
लंबाई जो है इसकी जो काटने छाटने में खत्म हो गई या वेस्ट हो गई वो है 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर की लेंथ जो है तारपुलिन की वो काटने वगैरह में वेस्ट हो जाती है। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो तारपुलिन है उसके शेप क्या है। देखिए जो तारपुलिन है उसकी शेप है रेक्टेंगुलर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे तो कहीं नहीं बताया कि तारपुलिन जो रेक्टेंगुलर है तो हमें कैसे पता लगा। तो देखिए हम लोगों को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि जब भी आप कभी कपड़ा सिलवाने गए हो, अगर मान लीजिए शर्ट सिलवाने गए हो, पैंट सिलवाने गए हो, तो वो कपड़ा जो आप सिलवाने के लिए लेके जाते हो, जिसको काट के दर्जी सिलता है आपकी शर्ट या पैंट, वो कपड़ा कैसा होता है? वो एक रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर तारपुलिन को काट के अगर कॉनिकल टेंट बनाया जाता है तो तारपुलिन जो था वो कैसा रहा होगा? वो एक रेक्टेंगल की शेप का रहा होगा, ठीक है। और इसी रेक्टेंगल की शेप की जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो हमें बताई गई है 3 मीटर। तो मैंने इसकी चौड़ाई को मान लिया कैपिटल बी, जिसकी वैल्यू हमें दी गई 3 मीटर, और इसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है। अब देखिए जो टोटल लेंथ आएगी वो दो तरह की लेंथ से मिलकर बनी होगी, एक वो लेंथ होगी जो वेस्ट हो गई, ठीक है, जिसकी लंबाई हमें दी गई 20 सेंटीमीटर, और एक वो लेंथ होगी जो कि यूज हुई होगी, ठीक है, इसको बनाने में, जिसको मैंने मान लिया कैपिटल एल। तो मतलब जो टोटल लेंथ हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में वो कैसे आएगी, यानी लेंथ कैसे आएगी, जब हम यूज वाली लेंथ को यानी कैपिटल एल को और जो वेस्ट लेंथ है उसको ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो जो वेस्ट हुई है वो तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, जो यूज हुई है वो हमें नहीं पता। तो पहले मैं यूज लेंथ निकाल लूंगा फिर 20 ऐड कर दूंगा, टोटल लेंथ मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बात करते हैं आगे। तो यहां पे मैंने लिखा लेट लेंथ ऑफ तारपुलिन यूज, यानी वो लेंथ तारपुलिन की जो इसको बनाने में यूज हुई है वो कैपिटल एल है, क्योंकि जो वेस्ट हो गई कट छट के निकल गई उससे तो ये बना नहीं होगा, ठीक है, ये तो उसी से बना होगा जो इसको बनाने में यूज होगी। तो जो यूज हुई है लेंथ वो मैंने एल मान लिया, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो 3 मीटर दी हुई है हमें, और जो रेडियस है इस कोन की वो हमें बताई गई है 6 मीटर, तो आर की जगह मैंने 6 मीटर लिख लिया, और जो हाइट है इस कोन की वो बताई गई हमें 8 मीटर, तो इसकी जगह मैंने 8 मीटर लिख लिया। और यहाँ पे मैंने लिखा जो एक्स्ट्रा लेंथ दैट इज वेस्टेड, जो वेस्ट हो गई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे हमें बताई गई है, इसकी बात करो जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इतना एरिया जो है ये यूज हुआ है बनाने में, और ये मान लीजिए वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो वेस्ट हुआ उसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कपड़े से ये कोन बना है, ठीक है, उसका एरिया और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आपस में बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि सी एस से ऑफ कोन, जो कोन का सी एस से, सी एस से क्यों निकाल रहे हैं मैं बताऊंगा, वो बराबर होगा इस कपड़े के, या फिर तारपुलिन के, कपड़ा नहीं यहाँ पे तारपुलिन है, उस तारपुलिन के एरिया से जो इससे बना है, यानी कि लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है, जो एल है वो यहां से लेके यहां तक है, वेस्ट इसमें एडिट नहीं है, एल यहीं तक है बस, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि जो टेंट बनाया जाएगा नीचे तो जमीन होगी, यानी यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पर ये तारपोलिन नहीं लगेगा, तारपोलिन सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया पर लगेगा, क्योंकि टेंट के नीचे जमीन होती है, नीचे तारपोलिन नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम यहाँ टोटल सर्फेस एरिया नहीं निकालेंगे, कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे। अब देखिए जो कोन का कर्व सर्फेस एरिया होता है वो आप लोग जानते होंगे, पाई आर एल होता है, इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू हमें पता है 3 मीटर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब जो पाई है उसकी वैल्यू में क्वेश्चन में बोली गई है कि भाई 3.14 यूज करनी है, तो पाई की जगह मैंने लिखा 3.14 इंटू में आर, आर का मतलब रेडियस जो कि हमें बताई गई है 6, और इंटू में एल, देखिए एल भी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो एल मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एल का मतलब कौन सा? एल स्मॉल एल, जो कि इसका तेयक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट होती है। तो पहले एल निकाल लेता हूँ, मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था, मैं भूल गया इसे निकालना। देखिए एल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ कोने में, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए एच जो है, एच की वैल्यू में बताई गई 8 मीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में आएगा ये, 64 में 36 आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 100, और ये अंडर रूट में, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, ठीक है, 10 10 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जो एल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल एल की उसकी वैल्यू आ गई 10। स्मॉल एल क्या है? इसकी स्लैंट हाइट, और जो कैपिटल एल है ये क्या है? ये है इसकी लंबाई यहां से यहां तक की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल 10 कैसे आया, स्मॉल एल यानी तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट, तो यहां से एल इंटू में 3 हो गया ये। तो अब देखिए इन तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद यहां से एल की अगर मैं वैल्यू निकालू तो कितना होगा? 3.14 इंटू में 6 इंटू में 10, और जो जो 3 है ये कहां जाएगा? ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहो तो इसको आप हटाओगे तो नीचे एक लिख के, एक दो दो डिजिट है तो 2 जीरो लगाओगे, पॉइंट हट चुका है अब, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जो एल है उसकी वैल्यू कितनी आगे? देखिए यहाँ पे 3.14 था, पॉइंट हटा दिया हमने, कितना बचा? 314 इंटू में 2, और नीचे कितना बचा हुआ है?
10 बचा हुआ है, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एल है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 62.8। नीचे 10 है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो ये एल की वैल्यू है, लेकिन ये टोटल लेंथ नहीं है। टोटल लेंथ जो आएगी, ठीक है, वो कैसे होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ होगी यूज्ड लेंथ, यानी कि वो लेंथ जो यूज हुई थी, यूज लेंथ प्लस में वेस्टेड लेंथ, ठीक है। तो जो यूज लेंथ थी वो एल थी, प्लस में जो वेस्टेड लेंथ थी वो हमें बताई गई थी, भाई जो वेस्टेड लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोबारा से फिगर में दिखा देता हूँ, देखिए जो टोटल लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, इसमें से जो यूज लेंथ है वो एल है, यानी कि इतनी, ठीक है, इतनी, और ये वेस्टेड लेंथ थी, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है। तो यहां से ये एल की वैल्यू कितनी आई, 62.8, और ये किस में होगा, ये मीटर में होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें मीटर में थी, तो 62.8 मीटर में, ये 20 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में आप बदलोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आप 100 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2/10, यानी 62.8 प्लस में 2/10, यानी कि 0.2। अब दोनों किस में बदल चुके हैं, मीटर में, तो इसमें आप ये जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 63। तो यहाँ पर कितना आ गया, 63 मीटर, यानी जो टोटल लेंथ होगी, जो तारपोलिन यूज हुआ है उसकी लेंथ होगी 63 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल इजी तरीके से किया इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे बोला गया था स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब कि एक टॉम्ब है जिसकी जो शेप है वो कॉनिकल है, यानी कि कौन की डिजाइन का एक टॉम्ब बना हुआ है, जिसकी जो स्लैंट हाइट है वो हमें बताया गया है 25 मीटर, और जिसका डायमीटर है वो हमें बताया गया है 14 मीटर। हमें बताना है कि अगर इसके कर्व सरफेस एरिया पे व्हाइट वॉश कराया जाता है ₹200 पर 100 मीटर के स्क्वायर से, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। अब देखिए व्हाइट वॉश कहाँ कराना है, इसके कर्व सरफेस एरिया पे, तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, एल की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए डायमीटर का आधा होता है रेडियस, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस उसका आधा यानी कि 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, क्योंकि डायमीटर 14 था तो उसका आधा 7, इंटू में एल, एल की वैल्यू कितनी, 25 आ गई, 7 से 7 कट गया, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा, 50, 50 का 0 कैरी हुआ 5, फिर आप 25 का 2 जा 50, और जो कैरी हुआ था 5 यानी 55, तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, अब बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ, कितने का कॉस्ट है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹210, ठीक है। तो अगर 100 का इतना है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर निकाल लो आप यूनिट मीटर से, ठीक है, तो 210, 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, लेकिन जो हमारे पास एरिया है वो कितना है, 550। जब हमें एक का दाम पता हो, जितने का भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210/100, ये कितने का था, ये 1 मीटर स्क्वायर का था, हमें कितने का निकालना है, 550, तो इसको 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0, कितना बचा हमारे पास, 21 × 50, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 21 को आप 5 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 21 5 जा कितना होता है, 105, ठीक है, तो 21 5 जा 105 हुआ, इसका 5 आप यहाँ लिखोगे, 10 जाएगा कैरी में, फिर दोबारा से 21 × 5 करोगे, फिर से 105 आएगा, और जो 10 पहले कैरी में गया था वो आप जोड़ दोगे 105 में, आपको 115 मिल जाएगा, तो मतलब इतने रुपए टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।